नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 23x30 की हाउस प्लान। 23x30 का जो टोटल एरिया है वो 690 स्क्वायर फीट है, जो 2BHK हाउस प्लान है। हम इसकी जो प्लानिंग कर रहे हैं वो है 2BHK हाउस प्लान, जिसका 23 फुट फ्रंट है और 30 फुट इसकी गहराई है। जैसा कि आप जो है इस मैप में देख पा रहे हैं, 23 फुट इसका फ्रंट है, फ्रंट इन द सेंस रोड साइड से जो फ्रंट है वो 23 फुट है और इसकी जो गहराई है वो 30 फुट है। ये प्लॉट एकदम चौकोर है और ये 20 फुट की रोड पर स्थित है। अब इसमें प्लानिंग किस तरह से की हुई है उसकी हम एक बार जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, ये हमारी इस तरह से जो है हमने प्लानिंग को सेट किया हुआ है। ये 20 फुट की रोड है, रोड से ही जो है हमने एक पोर्च की एंट्री दी हुई है। ठीक है, पोर्च में हम जो है टू व्हीलर पार्किंग आराम से कर सकते हैं। इसमें हमने एक स्टेयर का भी पॉइंट दिया हुआ है, जहाँ से जो है हम स्टेयर से जो है अपने दूसरी वाले फ्लोर पर जा सकते हैं। ठीक है, इसमें जो स्टेयर हमने यूज़ की है वो स्टेयर का साइज़ जो है जो उठान है, जो मतलब एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे जो पैर रखते हैं, उस सीढ़ी की जो ऊंचाई है वो 7 इंची रखी गई है और जिस पे पैर रख के हम ऊपर चढ़ेंगे वो जो है 10 इंची का है। और जीना हमने टोटल जो है चौड़ाई में 3 फुट रखा है। ये चौड़ाई जो आप देख पा रहे हैं वो 3 फुट है। ठीक है, इस तरह से पूरा जीना एल शेप में जाते हुए जो ऊपर की तरफ पहुँच रहा है। ठीक है, पोर्च से जो है हमने अंदर की प्लानिंग को, या अपने कहें कि ड्राइंग रूम की प्लानिंग को थोड़ा सा हमने ऊंचा रखा है, जिससे जो है ये अंदर की बाहर की गंदगी अंदर ना जाए। ठीक है, ये हमारा ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में जो एंट्री रखी है वो 3.5 फुट का गेट रखा है और 7 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, मतलब जो गेट दिया है, गेट मतलब जितने भी ये जो गेट हैं हमने सबकी गेटों की ऊँचाई 7 फुट रखी है और अलग अलग जगह पर अलग अलग गेट का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेन एंट्री दोनों जो है 3.5 फुट की है, 3.5 फुट ये चौड़ा है और 3.5 फुट ये चौड़ा है। हम ड्राइंग रूम को देखते हैं। ड्राइंग रूम में हमने एक बड़ी सी विंडो दी है जिसमें से बहुत सारी रोशनी हमारे घर में एंटर करे। ठीक है, जिससे जो है हमारा जो है ड्राइंग रूम में दिन के समय कम से कम लाइट जलाने की हमें ज़रूरत न पड़े। ठीक है, अब हम अंदर की तरफ एंट्री करते हैं तो अब आते हैं हम डाइनिंग एरिया में। ये हमारा है डाइनिंग एरिया। ठीक है, डाइनिंग एरिया से जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो हमने किचन का यूज़ किया हुआ है। देखिए, किचन है। ठीक है, किचन जो है हमने एल शेप में प्लेटफॉर्म दिया हुआ है और प्लेटफॉर्म पर हमने जो है लाइट कलर का मार्बल का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, इसके बिल्कुल सामने जो है हमने एक विंडो का यूज़ किया है जो कि 4 फुट चौड़ी है और 6 फुट ऊँची है। ठीक है, ये आप जो 2 लाइन देख पा रहे हैं, ये 2 लाइन जो है आर्च का काम करती हैं। इस मतलब इस किचन को लगभग हमने ओपन किचन के लिए यूज़ किया है। आप चाहें इसमें डोर लगाना चाहें तो इसको 3 फुट तक छोटा करके इसमें एक दरवाज़ा लगा सकते हैं, जिससे आपका ये किचन कवर्ड किचन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद आप राइट साइड में देख पा रहे हैं, राइट साइड में हमने एक वॉश एरिया दिया हुआ है। ठीक है, वॉश एरिया में ही जो है हमने एक टॉयलेट की एंट्री दी हुई है। ठीक है, टॉयलेट की जो एंट्री है उसका गेट जो साइज़ है वो 2.5 फुट रहेगा और ऊँचाई 7 फुट ही रहेगी। ठीक है, उसमें भी हमने एक वेंटिलेशन जो पिंक कलर का आप देख पा रहे हैं, ये विंडो और वेंटिलेशन को हमने इसमें बनाया हुआ है। पिंक टॉयलेट में जो पिंक कलर का देख पा रहे हैं, ये जो है हमारा वेंटिलेशन है जो हमारे फ्रेश एयर का काम इसमें करता रहेगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं पीछे बेडरूम में। बेडरूम नंबर 1 है, इसके लेफ्ट साइड में जो है हमने एक विंडो दे रखी है जो कि 4 फुट चौड़ी है और 6 फुट ऊँची है। इसमें जो दरवाज़ा दिया है वो भी 3.5 फुट का ऊँचा है। वही डोर सेम जो साइज़ में जो है हमने 3.5 फुट चौड़ा और 7 फुट ऊँचा दूसरे नंबर बेडरूम में दिया हुआ है। इसके भी राइट हैंड में हमने एक विंडो दे रखी है जिसका साइज़ जो है हमारा 4 फुट चौड़ा और 6 फुट ऊंचा है। अब इसमें उसमें हमने किस तरह से इसमें फर्नीचर की प्लानिंग की हुई है, इसकी भी एक बार जानकारी हम समझ लेते हैं कि हमने जो है फर्नीचर इसमें किस तरह से प्लान किया हुआ है। देखिए, ये टू व्हीलर की पार्किंग के लिए हमने 2 टू व्हीलर हमने इसमें पार्क करके दिखाई है, जिससे आपको जो है एक जगह का अंदाज़ा हो जाए कि हमारी जगह जो है कितनी है और 2 व्हीलर रखने के बाद भी हमारी कितनी जगह हमें मिलेगी। इवन आप चाहें तो जो है इस जीने के नीचे भी आप एक मोपेट या कोई भी बाइक आप रख सकते हैं, जिससे आप 3 गाड़ी की जो है पार्किंग आराम से कर सकते हैं। उसके बाद भी इसमें काफ़ी एरिया है जो हमारे को पास थ्रो होने के लिए ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें अंदर जाना है, अंदर से बाहर आना है, तो हमारे जो चौड़ाई है वो काफ़ी मिल रही है और हमें आने जाने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। यहाँ हम जो देख रहे हैं डबल डॉटेड लाइन से, ये हमारा जो है मेन गेट है, जो हमारा चाहे तो आप इसे स्टील का लगा सकते हैं या लोहे का लगा सकते हैं, जिस तरह का भी लगाना चाहें उस तरह का आप इसमें एक गेट लगा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा ड्राइंग एरिया है। ड्राइंग एरिया जो है हमारा, इसमें हमने सोफे का यूज़ किया हुआ है, देख पा रहे हैं हम सोफे का यूज़ है। उसके बिल्कुल ठीक सामने हमने एक टीवी का पॉइंट दिया हुआ है, जिससे आप सोफे पर बैठे हुए भी जो है हम टीवी के लुत्फ़ उठा सकते हैं। इसके लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे हैं बिल्कुल जस्ट एक विंडो दे रखी है, जिसमें से आप कूलर या एसी जो लगाना चाहें आप इसमें आराम से लगा सकते हैं।
ठीक है। अब अंदर आते हैं हम डाइनिंग एरिया में। डाइनिंग एरिया में आप देख पा रहे हैं हमने डाइनिंग टेबल का यूज़ किया है, उसके कॉर्नर में बाथरूम के कॉर्नर में हमने एक जो है फ्रिज रखा हुआ है, जिससे आपको जो है आगे की व्यवस्था कैसे बनाएंगे उसकी भी आपको जानकारी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम बेडरूम नंबर वन। बेडरूम नंबर वन में सामने हमने बेड दे रखा है, बेड लगभग दोनों बेडरूम में हमने सामने ही दिया हुआ है और बिल्कुल उनके ठीक सामने हमने टीवी का पॉइंट दिया हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोनों बेडरूम में टीवी का पॉइंट बिल्कुल सामने है और दो बेडरूम में, ठीक है। उसके बाद इसकी प्लानिंग में क्या साइजेस रहेंगे, साइजेस की एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए पोर्च का जो साइज़ दिया है हमने वो 10 फुट चौड़ा है और 11 फुट इसका गहराई है, 10 फुट चौड़ाई और 11 फुट गहराई। उसी प्रकार से ये हमने जो है ड्राइंग रूम का साइज रखा है। ड्राइंग रूम का जो साइज़ है वो 12 फुट चौड़ा है और 10.5 फुट इसकी गहराई है, 12 फुट चौड़ा और 10.5 फुट इसकी गहराई है, ठीक है। उसके बाद हम डाइनिंग एरिया की बात कर लेते हैं। डाइनिंग एरिया जो साइज़ है वो 9x8 का है, 9 फुट चौड़ा है और 8 फुट गहरा है। किचन का जो साइज़ है वो 6 फुट चौड़ा है, 8 फुट गहरा है, ठीक है। उसके बाद जो वॉश एरिया है, वॉश एरिया का जो साइज़ है वो हमारा 6.5 फुट चौड़ा है और 3 फुट मतलब चौड़ाई में है, 3 फुट चौड़ाई में और 6.5 फुट गहराई में है। टॉयलेट का जो साइज़ है वो 6.5 फुट चौड़ा है और 4.5 फुट इसका गहराई है, ठीक है। उसके बाद बेडरूम नंबर वन और बेडरूम नंबर टू लगभग दोनों का साइज़ हमने एक जैसा दिए हुए 11x10। तो 11x10 का एक बेडरूम है और 11x10 का दूसरा बेडरूम है, ये दोनों बेडरूम है। प्लानिंग देखने में बहुत सुंदर और खूबसूरत लग रही है, ठीक है। इसमें हमने एलिवेशन कैसे दिया हुआ, उसकी एलिवेशन की भी हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये हमने एलिवेशन इसमें रखा हुआ है, देखिए ये है, यहाँ से हम जो है हमने एक रैंप दिया हुआ है, रैंप से चढ़ के आप अपनी गाड़ी को यहाँ पार्क आराम से कर सकते हैं। ये अपना एक गेट लगाया हुआ है, चाहे आप स्टील का लगा सकते हैं और चाहे आप इसमें लोहे का गेट यूज़ कर सकते हैं। हमने बाहर एक विंडो दे रखी है, विंडो में आप कूलर एसी जो लगाना चाहें अपने पैटर्न पर, उसको जिस तरह से सेट करना चाहें उस तरह से सेट कर सकते हैं। लाइनिंग में हमने इसमें पैटर्न दे रखा है जो कि सिंपल प्लास्टर से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। एक जो है वाइट कलर का हमने एक ऑफसेट टाइप का दिया हुआ है जो हम जो है ब्रिक वर्क में या प्लास्टर में इसको बना सकते हैं, जिससे वो देखने में थोड़ा सुंदर लगता है। एक थोड़ा सा ब्रिक पैटर्न भी हमने इसमें दिया हुआ है, ब्रिक पैटर्न थोड़ा सा देखने में सुंदर लग रहा है कि वो नीचे से लेकर के ऊपर तक जाते हुए बिल्कुल टॉप तक मतलब जो है बालकनी का जो लेवल है वहाँ तक जाता है, ठीक है। और ये हमने छज्जा दे रखा है, छज्जे में भी जो है छज्जे की जो चौड़ाई है वो करीब करीब हमने 3.5 फुट आगे रखी है। इसमें आप जो है जो हमने राफ्टर दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 राफ्टर दिए हुए हैं। 7 राफ्टर में आप चाहे तो एक एक छोटे छोटे लाइट के पॉइंट दे सकते हैं। 5 mm की 5 वाट की एक लाइट आती है, उसमें जो है हम छोटी छोटी लाइट लगा सकते हैं, जिससे कभी रात में हमें अगर अपने दरवाजे को अगर रोशनी देनी है तो रोशनी के हिसाब से बहुत अच्छा जो है इसमें रोशनी आएगी, ठीक है। उसके बाद 1, 2, 3, 4 हमने बीच में नीचे गाले दे रखे हैं। गाले जो है गाले के सेंटर पॉइंट में भी हमने लाइट का पॉइंट दे रखा है, जिससे हमारे जो है इस विंडो वाली वॉल की खूबसूरती बहुत अच्छी देखने में लगती है, ठीक है। ऊपर देख पा रहे हैं ऊपर ये हमारी रेलिंग है, ठीक है। रेलिंग के बाद जो है दूसरी तरफ हमने जो है इसमें ग्रिल लगाई और दूसरी तरफ हमने ब्रिक वर्क का यूज़ किया हुआ है। तो ये प्लान भी हमारा जो है देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। गांव के माहौल के हिसाब से अगर हम बनाना चाहें तो प्लान बहुत सुंदर बहुत देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये टोटल हमारी प्लानिंग है और ये हमने एलिवेशन आपको पहले दिखाया था, तो इस तरह से ये हमारे प्लान है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।